दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन खुखार विलन के बारे में जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नंबर एक, इशरत अली। 150 से भी ज्यादा फिल्मों में विलन की भूमिका निभा चुके इशरत अली अब इस दुनिया में नहीं रहे। 1919 में जन्मे इशरत अली 1 जनवरी 2014 को दुनिया से चल बसे थे। निधन के वक्त इशरत अली 96 साल के थे। नंबर दो, रामी रेड्डी। 250 बार विलन बनकर कत्लेआम मचाने वाले रामी रेड्डी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 1 जनवरी 1959 में जन्मे रामी रेड्डी 14 अप्रैल 2011 को दुनिया छोड़कर चले गए थे। निधन के वक्त रामा रेड्डी 52 साल के थे। नंबर तीन, अमजद खान। फिल्म शोले में गब्बर के रोल से मशहूर होने वाले अमजद खान भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमजद खान का 27 जुलाई 1992 में निधन हुआ था। निधन के वक्त अमजद खान 51 साल के थे। नंबर चार, अमरीश पुरी। विलन बनकर बॉलीवुड में तहलका मचाने वाले अभिनेता अमरीश पुरी किसी खास पहचान के मोहताज नहीं है। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था और 12 जनवरी 2005 को दुनिया से चल बसे। निधन के वक्त अमरीश पुरी 72 साल के थे। नंबर पाँच, महेश आनंद। स्वर्ग, विश्वात्मा, शहंशाह और कुली नंबर वन जैसी 50 से अधिक फिल्में कर चुके महेश आनंद 9 फरवरी 2019 में उनका निधन हुआ। निधन के वक्त महेश आनंद 57 साल के थे। नंबर छह, गेविन पैकर्ड। 60 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में विलन का नेगेटिव किरदार निभा चुके गेविन पैकर्ड जीवित नहीं है। उनका निधन 18 मई 2021 को वसई में हुआ था। निधन के वक्त उनकी उम्र 47 साल की थी। नंबर सात, जैक गॉड। बॉलीवुड के एक और खुखार विलन में से एक जैक गॉड का जन्म 1998 में हुआ था और साल 2000 में महज 42 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। नंबर आठ, सदाशिव अमरापुरकर। करीब 300 फिल्मों में काम कर चुके सदाशिव अमरापुरकर भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका निधन 3 नवंबर 2014 में हुआ था और निधन के वक्त वे 64 साल के थे। इसके अलावा रजा खान, महावीर शाह, गोगा कपूर, बॉब क्रिस्टो, अनुपम श्याम सहित खुखार विलन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आत्मा की शांति के लिए एक लाइक जरूर करें।